अगली खबर में बात करते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर, जो आज रीवा जिले की समीक्षा बैठक ली। बिजली सप्लाई को लेकर मिल रही शिकायतों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लेते हुए हनुमना में पदस्थ बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर कामों की जांच कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने रीवा जिले में अन्य सरकारी स्कीम्स की योजनावार समीक्षा की। सीएम हेल्पलाइन ने रीवा जिला पंचायत ने अच्छा काम किया है। रीवा विगत 16 माह से नंबर एक पर है। सीएम ने अफसरों से पूछा, जितने भी नए आवास स्वीकृत हैं उनमें मेरा बधाई संदेश गया कि नहीं? सीएम हेल्पलाइन में शिकायत में 696 शिकायत हैं। अनुचित राशि आदि मांगने की 14 जीआरएफ को पद से हटाया है। कुछ सचिवों का वेतन भी काटा है। ऐसे बेईमानों को सेवा से पृथक करो, एफआईआर करो, जेल भेजो। करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाओ, किसी भी बेईमान को मत छोड़ो। शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में आई कमी को लेकर के प्रशंसा व्यक्त की। रीवा इस काम में प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। शहरी रीवा नगर निगम में 4,300 स्वीकृत हुए, 800 मकान अभी अपूर्ण हैं, जिन्हें तीव्र गति से पूरा करें। लोगों के मकान बन जाएं, ये हमारी ड्यूटी है। पीएम आवास योजना में 83,928 स्वीकृत हुए, इनमें 78,551 आवास पूर्ण हुए हैं। 1,500 किसानों ने इंटरेस्ट दिखाया है। इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। जनप्रतिनिधि भी 1-2 एकड़ में प्राकृतिक खेती करें ताकि प्रेरणा मिल सके। मैं स्वयं भी कर रहा हूं, पीएम ने कहा। मेरे पास जो जानकारी है उसमें अब तक कम परिवारों को घरेलू कनेक्शन मिले हैं। काम की गति बढ़ाएं। 809 गांव में योजना संचालित है। कार्य की गुणवत्ता भी ठीक करें। यदि कोई काम पूरा नहीं किया ठेकेदार ने तो पेमेंट रोकें। मुझे पूरा काम परफेक्ट चाहिए। एसई जाएं, जितने गांव भी योजना से जुड़े हैं उनका इंस्पेक्शन करें। कलेक्टर प्रति सप्ताह कार्यों की समीक्षा करें। हम लोग मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में हमने काफी सुधार किया है। पूरे कामों की उसकी जांच करो और अब ये व्यवस्था कैसे ठीक हो, इस व्यवस्था को बनाओ। अभी हटा दी उसको, सस्पेंड करके उसके सारे कामों की जांच करा।